हर एक बंदे को 520 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये वाली वीडियो जाकर जरूर से देख लेना, वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड बीटीएस के 7 बंडल है, उसमें से एक बंडल सारे बंदों को बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। बहुत सारे बंदों ने फ्री का बंडल ले भी लिया है एंड बहुत सारे बंदों को अभी तक फ्री का बंडल नहीं मिला है, लेकिन वो कुछ टाइम तक गेम खेलेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर वो लोग भी फ्री का बंडल ले लेंगे। बट क्या फ्रेंड आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा है कि जो गरीना कभी को फ्री में आज तक कोई भी नॉर्मल बंडल नहीं दिया और अभी यहाँ पर लेजेंडरी बंडल बिल्कुल फ्री में क्यों दे रही है ना, सोचने वाली बात। तो चलिए गाइस ये भी मैं आप लोग को वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा गरीना फ्री में बंडल क्यों दे रही है। एंड साथ ही बात करेंगे फ्री फायर बैन को और अनबैन को लेकर, क्योंकि गाइस आप लोग को पता होगा मैंने अभी तक अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना दी है फ्री फायर बैन को और अनबैन को लेकर, लेकिन गाइस अभी तक आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और सोचते हो कि भाई एपिक गेमर ने बहुत सारी बैन और अनबैन को लेकर वीडियो बना दी है, बट अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई फ्री फायर अपना वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो गाइस इसके बारे में फुल डिटेल के साथ बात करेंगे, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो बीटीएस का बंडल बिल्कुल फ्री में मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। गाइस आप लोग को याद होगा फ्री फायर अपना 14 फरवरी को बैन हुआ था और अभी तक फ्री फायर को 1.5 महीने से भी ऊपर हो चुका है और इन्हीं 1.5 महीने के बीच में गाइस अपने फ्री फायर की जो खेलने वाली जनसंख्या है, जो फ्री फायर लवर्स है गाइस, वो बहुत ही तेजी से कम हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, जो हम लोग का फ्री फायर गेम खेलने का जो क्रेज था वो फ्रेंड अपने इंडिया सर्वर पर फ्री फायर के अंदर बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। और इसका रीजन गाइस सिर्फ और सिर्फ यही है कि गरीना ने कुछ टाइम पहले सबकी बंदों की बहुत बंदों की आइडिया बैन कर दी थी, उसके बाद गाइस प्ले स्टोर पर से फ्री फायर को बैन कर दिया गया, जिसके दिलों पे काफी ज्यादा बच्चों के जो है डिमोटिवेट पहुंचा। बच्चों ने पहले ही सोच लिया भाई फ्री फायर यहाँ पर हम लोग का बैन हो चुका है, वापस नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों ने फ्री फायर गेम खेलना छोड़ दिया। एंड बहुत सारे बंदों ने तो ये सोचा कि भाई अब फ्री फायर बैन हो गया है तो क्यों ना अपनी आईडी पर जो हैक वगैरह को लगाकर यूज कर ले। उसके बाद उन्होंने हैक को लगाया और वहां पर उनकी आईडी फिर से बैन हो गई, इस वजह से फ्री फायर लवर्स बहुत ज्यादा कम हो गए। एंड उसके बाद तो फिर आप लोग को पता है ओबी 33 का अपडेट आ चुका जो कि बाहर के हर सर्वर पर आ चुका है, बाकी अपने इंडिया सर्वर पर अभी तक वो भी ओबी 33 का अपडेट नहीं आया, वही हम लोग ओल्ड वाला ओबी 32 का अपडेट गेम प्ले खेल रहे हैं, जिसको देखते हुए गाइस हम लोग को नेट पिन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एंड लैगिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिस वजह से इंडिया के प्लेयर्स ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा पुराना पुराना टाइप का फील हो रहा है, इस वजह से वो लोग गेम को बिल्कुल भी नहीं खेल रहे हैं। और जो फ्री फायर का क्रेज है जो कि पब्लिक है बहुत ज्यादा फ्री फायर लवर्स है जो हम लोग बहुत ही तेजी से कम हो रहे हैं। तो गाइस यही चीज को देखते हुए गरीना वालों ने क्या लगाया, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा कि अगर हम लोग फ्री फायर के अंदर कुछ लेजेंडरी बंडल अगर फ्री में देते पब्लिक को तो यहाँ पर जितने भी बच्चे वापस जा चुके फ्री फायर को छोड़कर गाइस वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, वो यहाँ पर फिर से फ्री फायर को खेलेंगे। और वही गाइस यहाँ पर सेम टू सेम हुआ, जैसे यहाँ पर बीटीएस का इवेंट आया गाइस और जैसे उन्होंने इवेंट को निकाला गाइस कि यहाँ पर आप लोग को एक टोकन से फ्री बंडल मिल रहा है 7 बंडल में से, वैसे यहाँ पर पब्लिक भाई साहब भागते चली आई अपने फ्री फायर के अंदर, मतलब कि जो फ्री फायर का जो क्रेज है गाइस वो फिर से बढ़ने लगा है। एंड यहाँ पर बहुत सारे बंदे फ्री फायर लवर्स जो अपने इंडिया के हैं वो लोग फिर से फ्री फायर के ऊपर आ चुके हैं। एंड भाई अगर अभी आप लोग जाकर कोई भी मैच खेलते हो, रैंक मैच खेलते हो, क्लासिक मैच खेलते हो, तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा ओपी ओपी से प्रो प्रो प्लेयर आप लोग को देखने को मिलेंगे सामने वाली टीम में, जिससे कि साफ पता चलता है कि भाई अभी तक जो है बहुत ही प्रो प्रो प्लेयर जो है अपने इंडिया सर्वर पर अभी गेम प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर गाइस मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई अभी जो बंडल फ्री मिल रहा है तो इस वजह से फ्री फायर की जो पब्लिक है वो वापस तो आ रही है फ्री फायर गेम खेलने के लिए, लेकिन गाइस ये ज्यादा देर तक इनका ड्रामा बिल्कुल भी नहीं चलेगा गरीना वालों की टीम का, क्योंकि गाइस ये अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहा है। वहीं पर गाइस अगर सारे बंदों को जब फ्री का बंडल मिल जाएगा 2-4 दिन के बाद में, उसके बाद यहाँ पर फ्री फायर जितने भी लवर्स है ये लोग फिर से डिमोटिवेट होने लगेंगे, इनको अपने फ्री फायर के अंदर कोई भी न्यू चीज देखने को नहीं मिलेगी, तो ये लोग फिर से डिमोटिवेट होंगे एंड फ्री फायर को फिर से छोड़ने का प्लान बना लेंगे। तो ये चीज तो यहाँ पर फ्री फायर के अंदर चलती ही रहेगी। ये चीज का सोल्यूशन गाइस सिर्फ और सिर्फ एक वजह से ही हो सकता है कि गरीना टीम को भाई अपने इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनसे टीममेट करें एंड उनसे भाई प्रॉब्लम की भाई सोल्यूशन पूछे, एंड भाई जैसा भी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है वैसा भाई गरीना टीम को कर लेना चाहिए और भाई गरीना को सारी पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है फॉलो करनी चाहिए और जल्द से जल्द अपना फ्री फायर जो है प्ले स्टोर पर रिटर्न ले आना चाहिए, यानी कि अपना फ्री फायर जल्दी से जल्दी अनबैन करा लेना चाहिए। और ऐसा फ्री फायर गरीना टीम बहुत ही जल्दी करेगी, 100% करेगी, क्योंकि गाइस आप लोग को पता होगा कि फ्री फायर गरीना टीम को जितना प्रॉफिट होता है, जितनी ज्यादा इनकम जो कमाते हैं ये गरीना, वो सबसे ज्यादा अपने इंडिया सर्वर से कमाती है, क्योंकि अपने इंडिया में फ्री फायर यूजर्स बहुत ही ज्यादा है जो कि फ्री फायर गेम को खेलता है एंड सबसे ज्यादा टॉप अप जो है अपने इंडिया में ही होते हैं। गरीना बाहर के 2-3 सर्वर से इतना रुपया नहीं कमाती होगी जितना रुपया अकेले इंडिया सर्वर से ही कमा लेती होगी। तो इसको देखते हुए गाइस गरीना बहुत ही जल्दी अपने प्ले स्टोर पर फ्री फायर को वापस ले आएगी। तो फ्रेंड यार उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई फ्री का बंडल क्यों दे रही है गरीना टीम, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पब्लिक को रोक रही है फ्री फायर, गरीना वाले रोक रहे हैं ताकि फ्री फायर को गेम को छोड़कर ना जाए, क्योंकि गरीना वाले फ्री फायर को प्ले स्टोर पर बहुत ही जल्दी रिटर्न लाने वाले हैं और इसकी कन्फर्म डेट भी बहुत ही जल्दी निकल कर आने वाली है। गाइस जैसी कन्फर्म डेट निकल कर आएगी कि फ्री फायर अपना प्ले स्टोर पर कौन सी डेट को रिटर्न देखने को मिलेगा, वैसे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर तुरंत से अपलोड कर दूंगा। एंड गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की
नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।